नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। झारखंड की बेटी सृष्टि को बचाएं। 22 महीने के मासूम को इलाज के लिए चाहिए 16 करोड़, उसके माता पिता आम लोगों से मदद की लगाई गुहार। जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। पलामू की बेटी सृष्टि रानी असाध्य बीमारी से जूझ रही है। करीब 2 साल की सृष्टि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक बीमारी है, जिसका इलाज देश में नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि विदेश में इलाज है, पर 16 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पलामू के पाटन निवासी सृष्टि के पिता सतीश कुमार कोरबा छत्तीसगढ़ में माइनिंग ओवर मैन है और माँ सोनिया कुमारी गृहिणी है। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि इलाज का खर्च उठा सके। सृष्टि के माता पिता ने आम लोगों से मदद के लिए गुहार लगाई है। कहा, बेटी सृष्टि को बचाने के लिए आप सबके मदद की जरूरत है। वह स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित है। इस बीमारी का इलाज देश में संभव नहीं है। इस अनुवांशिक बीमारी का संभावित इलाज अमेरिका में हो सकता है। जीन थेरेपी कराना होगा, इसमें 16 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कहा कि आप सभी के छोटी छोटी रकम से मेरी बच्ची की जान बच सकती है। बताते चले कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से शरीर में तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक प्रोटीन के निर्माण को बाधित होती है। इसके फलस्वरूप तंत्रिका तंत्र नष्ट हो जाता है। जो बच्चे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 से पीड़ित होते हैं, उनकी मांसपेशियां कमजोर होती हैं, शरीर में पानी की कमी होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। इस बीमारी से पीड़ित बच्चों की मांसपेशियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वो हिलने डुलने लायक भी नहीं रहते हैं। वहीं इधर सृष्टि की मदद के लिए पलामू डीसी ने भी क्षेत्र के लोगों से आग्रह किया है कि मदद के लिए प्रशासन का फोन पे और खाता नंबर जारी है। डीसी के अनुसार सृष्टि को मदद करने के लिए 9608742225 नंबर पर फोन पे, गूगल पे और पेटीएम के जरिए पैसे भेजकर मदद कर सकते हैं। सृष्टि के नाम पर यस बैंक में खाता खुलवाया गया है। उसका नंबर 7007017178913 और IFSC कोड YESBOCMSNOC है। इस पर भी पैसे भेजे जा सकते हैं। इसी पैसे को जमा करके सृष्टि का इलाज कराया जाएगा। बाल संस्कार हॉस्टल पिपरा कला गढ़वा में कक्षा नर्सरी से 10वीं तक छठ पूजा से पहले निःशुल्क एडमिशन कराएं। यहां पर बच्चों को रहने, खाने एवं शिक्षा की सर्वोत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। आप सब से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी बच्ची को बचाने में सहयोग करें और लोगों तक भी इस चीज को शेयर करें, ताकि और लोग सपोर्ट कर सके हमें, ताकि हमारी बच्ची की जान बचे। क्योंकि हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी रकम है कि हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। आपके सहयोग से ही हमारे बच्चे की जान बच सकती है, उसे एक नया जीवन दे सकते हैं आप सब मिलकर।